पूरी जिंदगी समर्पित कर दिया, तो ये किए शायद उन्होंने एक जीवन अपने लिए चुना था और वही जीवन उन्होंने अंतिम तक जीना पसंद किया। एक बार मुझे याद है अगर एक इंटरव्यू में उन्हें पूछा गया था कि क्या अगले जन्म में फिर से आप लता मंगेशकर बनना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा था कि मैं अगले जन्म में बिल्कुल लता मंगेशकर बनना नहीं चाहती। और इस जवाब ने अनेकों को चौंका दिया था, कई सारे लोगों को चौंका दिया था कि लता मंगेशकर आखिर लता मंगेशकर क्यों नहीं बनना चाहती। इस विश्व में शायद ऐसा कोई होगा जो लता मंगेशकर जैसी जिंदगी ना जीना चाहे, लेकिन लता मंगेशकर का यह कहना था कि जिस तरह के लुक और जिस तरह का संघर्ष उन्होंने देखा है वो नहीं चाहती, वो किसी और को देखने को मिला, यही वो लता मंगेशकर है। इन्होंने अपने परिवार का जिम्मा लेने के बावजूद भी पूरे परिवार को बढ़ाया और अपना खुद का भी तबीयत बना। आपको दिखा दूँ सामने पंडित हृदयनाथ मंगेशकर, लता मंगेशकर के भाई, जिन्होंने कई सारे अच्छे कंपोजिशन किए हैं। लता मंगेशकर के कई सारे जो गाने हैं उनको उन्होंने साथ दिया है, एक बड़ा नाम संगीत में पूरे ही मंगेशकर परिवार का। लता मंगेशकर के साथ ही आशा भोसले हो, पूजा मंगेशकर हो या फिर मीनाबाई कालिकर, सभी का बहुत बड़ा संगीत क्षेत्र में योगदान रहा है और पूरा परिवार आज नम आंखों के साथ में लता दीदी को यहाँ पर अंतिम विदाई देने आया है पूरा मंगेशकर परिवार। साथ ही साथ मैं तो ये भी कहूँगा कि पूरा देश उनका परिवार बन चुका था। हर परिवार में वो अपने संगीत के जरिए, कभी किसी जमाने में रेडियो, रेडियो के जरिए, टीवी के जमाने में टीवी के जरिए, और आज इंटरनेट के जमाने में इंटरनेट के जरिए वो घर घर तक पहुँचे। उनकी आवाज़ तीन तीन पीढ़ियों को उनकी आवाज़ मोहित करती रही है। उनकी आवाज़ में आज भी सभी को इतना मंत्रमुग्ध कर दिया है। आज इसीलिए सभी लोग उन्हें यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित करने, चाहे वो कोई प्रेम गीत हो जब प्यार किया तो डरना क्या वाला, या कोई संत की रचना हो जिसे इतने कंडीशन के साथ लता मंगेशकर गाई थी, या फिर मेरा नाम टिंकी सिंह जैसा कोई कैबरेट नंबर गाना कोई भी हो, लता मंगेशकर की आवाज़ में जब वो सुना सुनाई पड़ता था पूरी कंडीशन के साथ में लोगों से मिले। तो आप देख सकते हैं पार्थिव शरीर को उस सब से उतार कर एक मंच पर लाया जाएगा। आप देख सकते हैं कि तेरा जवान जिसको लता मंगेशकर के एक अंतिम विदाई के लिए, अंतिम उनके अंतिम जर्नी के लिए, आखिरी जर्नी के लिए उनको यहाँ पर ले जाया जा रहा है। जी जी पूरे ऑनर्स के साथ में उन्हें विदाई दी जाएगी। हम देख सकते हैं कि किस तरह उन्हें यहाँ पर सलामी दी जा रही है। साथ ही साथ जो इसे चाहने वाले लोग यहाँ पर मौजूद है, लता मंगेशकर अमर रहे के नारे यहाँ पर लगे रहे। कोई राजनीतिक पार्टी, कोई राजनीतिक नेता नहीं, आमतौर पर हम इस तरह के नारे लगते हुए देखते। लता मंगेशकर ऐसी हस्ती है जिनके गाने ने, जिनके स्वरों ने लोगों पर राज किया, और आज उन्हीं स्वरों को आज एक वो स्वर आज खामोश हुआ है, और उसी खामोशी को जिस कलाकार को लोगों ने सुना, जिनके गानों ने उनके दिलों पर राज किया, उन्हीं को इस तरह देखने के लिए और उन्हें अंतिम विदाई देखने के लिए यहाँ पर लोग आए हुए हैं। देखिए ये एक बहुत बड़ी बात होती है किसी के लिए भी, एक देश के नागरिक के लिए उस तिरंगे में लिपट कर जाना, और आज इस तरह से बताया गया है उसके डॉनर्स के साथ में उन्हें यहाँ पर अंतिम विदाई दी जाएगी। तिरंगे में लिपटा हुआ उनका पार्थिव यहाँ पर ले जा रहा, जो लोग यहाँ पर है, अगर मैं लोगों को भी दिखाऊँ, ये लोग जो है, जो कोई इन्हें कोई जानने वाले पहचानने वाले लोग भी है जिनने सही कभी भी चाहे जिंदगी में लता मंगेशकर को मिले हो, तो उन्होंने देखा हो, लेकिन जिस प्यार के साथ आज वो आए, मैं कई लोगों से मिला देना आज जिनको बात करते हो, जिनकी आंखें नम थी, आंखों में आंसू थे, और उसके साथ लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दे रहे थे। और ये उस प्लेटफॉर्म पर जो बनाया गया लता मंगेशकर के अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर उसे रखा जा रहा है। सेना के जवान उनके पार्थिव शरीर को उस जो मंच बनाया गया अंतिम दर्शन के लिए वहाँ पर रखते हुए पीछे साथ ही साथ एक बोर्ड बना हुआ है जिसमें भारत रत्न लता मंगेशकर लिखा हुआ है, और उनके परिवार के सदस्य सामने मौजूद। साथ ही साथ कई सारी बड़ी हस्तियां जिसमें भारत के क्रिकेट पूर्व खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर जिसमें शामिल है, थोड़ी देर में कुछ प्रधानमंत्री आएंगे, और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यहाँ पर इस वक्त आ रहे हैं। हम आपको बता दें उद्धव ठाकरे के साथ पूरा परिवार उनका आज पूरी निगरानी कर रहा था। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार भी यहाँ पर है, लक्ष्मी ठाकरे, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पत्नी वो भी यहाँ पर मौजूद है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री विजय कुमार पाटिल भी यहाँ पर मौजूद, सभी कस्टमर यहाँ पर आए हुए हैं, और सभी इन सभी के प्रेजेंस में आज लता मंगेशकर को अंतिम विदाई दी जाएगी। सभी को लगभग मिले, बहुत बड़ी ये दुखद घटना है, न सिर्फ संगीत क्षेत्र के लिए, देश के लिए, हाँ ये देश के एक जो सांस्कृतिक धरोहर है रही लता मंगेशकर, और उन्हीं के लिए आज ये सारे लोग आप देख रहे हैं। मैं दिखा दूँ
इतने सारे लोग यहाँ पर पड़ी, और ये क्यों अगर मैं देखूँ मैं दोपहर से देखा हूँ जरा, ये जो लोगों की कतार लगी है वो कई सारे किलोमीटर तक लगी हुई है, और यहाँ पे शिवाजी पार्क से कम से कम 1 किलोमीटर तक ये बड़ी लाइन है जहाँ पर लोग हैं, और लोग यहाँ पर उनको यहाँ पर अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर आए हैं, उनको यहाँ पर अंतिम विदाई देंगे। थोड़ी देर में जैसे प्रधानमंत्री आएंगे, प्रधानमंत्री यहाँ पर उन्हें श्रद्धांजलि देंगे, और बाकी यहाँ पर उनका देखिए कुछ सफेद शैया पर कमलेश सुतार, उनका पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटा हुआ, एक अनंत शांति में ये महान शख्सियत आज विलीन होती हुई, ये शिवाजी पार्क की आप तस्वीरें देख रही हैं, और इन तस्वीरों के जरिए हम और आप उस महान शख्सियत को श्रद्धांजलि दे रहे हैं जिसका नाम लता मंगेशकर था। अपने आप में संगीत का एक युग, अपने आप में संगीत की एक संस्था, अपने आप में भारत की एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपने दम पर, इंदौर में इनका जन्म हुआ था, गोवा के थे परिवार, लेकिन गोवा का परिवार होते हुए मुंबई में जो अपनी पहचान बनाई लता दी ने, जो एक मकाम हासिल किया, तमाम सितारे आपको दिख रहे हैं जिसमें शाहरुख खान इस वक्त आपको वहां पर दिखाई दे रहे हैं, शाहरुख खान से लेकर तमाम, सचिन तेंदुलकर, सभी लोग वहां पर मौजूद हैं इस अंतिम संस्कार की घड़ी में। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे, सभी वहां पर मौजूद हैं। फिल्मी जगत से लोग वहां पर पहुंचे हैं। परिवार के लिए क्या क्षति होगी आप लोग समझ सकते हैं। शादी नहीं की क्योंकि भाई बहन सबका सहारा बनकर लता मंगेशकर ने अपनी पूरी जिंदगी बता दी। उन्होंने संगीत के नाम अगर अपना जीवन किया तो हरीश भिमानी जी के शब्दों में दो ही ऐसी चीजें थी जिनके नाम उन्होंने अपनी जिंदगी को समर्पित किया, एक संगीत, एक राष्ट्र। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी वहां पर मौजूद हैं, तमाम फिल्म स्टार्स वहां पर मौजूद हैं। आज मुंबई का यह आसमान भी जैसे सिसक रहा हो लता जी के जाने पर। शाम की ये बेला 6:30 बजे उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। कई पीढ़ियां गुजरी हैं अपनी आंखों के आगे सब कुछ देखा। शरद पवार, आप एनसीपी के नेता को देख रहे हैं, राज ठाकरे, मंत्री पीयूष गोयल, सभी लोग वहां पर पहुंचते हुए, पक्ष विपक्ष सभी एक साथ इस अंतिम बेला में लता दी के शामिल होते हुए। एक बहुत सुंदर और अद्भुत जीवन उन्होंने संगीत की दुनिया में जिया है, लेकिन फिर भी मन है कि यही कहता है कि आखिर क्यों चली गई लता दी। संगीत को समर्पित किया उन्होंने अपना जीवन, राष्ट्र को समर्पित किया उन्होंने अपना जीवन, और जो उनकी शैली थी, जो संयम था, कमलेश सुतार मुंबई शहर को अपने संगीत, अपने सुरताल, अपनी आवाज से उन्होंने अपनाया, राज किया, और आज इस अंतिम बेला में बहुत उदास है ये शाम।